अधिकांश गुजरात की धरती तो जेड़ा की कॉटन की खेती वास्ते मशहूर है। जैसी कॉटन के खेतों ची खलोते हैं। वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। अज के दिन की या एहो कहो अज के एपीसोड की शुरुआत असी कर रहे हैं द्वारका जाने वास्ते। इस वक्त असी जिस स्थान पर खलोते है, एक हाईवे है, एक पेट्रोल पंप के पिछे एक खेत सीगा जिहड़ा मैनूं बड़ा एक्साइट कर रहा है कि मैं कभी रूई के खेत नहीं वेखे सके। तो असं इतने रूई के खेत वेखण आए हैं। तुम देख सकते हो इतने सामने रूई लगी हुई है, फ्रैश कॉटन जी इतने तुम देख सकते हो, सारे पूरे खेत रूई दे रहे। सो इतों होंदे हुए असी पहुँचांगे द्वारका। असी आप जी दर्शन करवावांगे गुरद्वारा साहब के, तो नाल उत्थे दा इतिहास भी दसांगे। बने रहो साडे नाल, देखते रहो स्पिरिचुअल जर्नी अर्बन ट्रैवलर दी। छड्डी ना कदे मेरी बाबा नानका, छड्डी ना कदे मेरी बाबा नानका, बख्श देवी मेरे, बख्श देवी मेरे, बख्श देवी मेरे, तू गुना बाबा नानका, छड्डी ना कदे मेरी बाबा नानका, छड्डी ना कदे मेरी बाबा नानका। हुण जिस थान ते असीं खलोते बह गए हां, इहनू ओखा जैटी कहिंदे ने या पोर्ट है। मेरे पिछे तुसीं देख सकते हो बहुत सारे शिप, बहुत सारी छोटी छोटी बोट्स इत्थे खलोतियां ने। द्वारका तो यह स्थान तकरीबन 30-35 किलोमीटर दूर है, जिन्हों पुजन वास्ते पौने घंटे का समय लगता है। तो इस स्थान तो हूँ असी चाले पान लगे है बेट द्वारका जाने वास्ते। बेट द्वारका के अंदर गुरद्वारा साहब गुरु नानक देव जी की इतिहासिक चरण छोह प्राप्त वो स्थान जिथे महाराज आए सी। तो बेट द्वारका का इतिहास तीन चीज़ों नाल जुड़िया है, जिहड़ा असी आप नूं उत्थे जाके दसांगे। दिल्ली तो यह स्थान जिते असी इस वक्त खलोते है तकरीबन 1290 किलोमीटर की दूरी पर है, जिन्हों पुजन वास्ते 28 घंटिया का समय लगता है। नियरेस्ट दूजा वड्डा शहर जिहड़ा गुजरात का हैगा वह हैगा जामनगर, तो दूजा वड्डा शहर हैगा अहमदाबाद जिहड़ा कि 444 किलोमीटर दूर है, जिन्हों पुजन वास्ते 8-9 घंटे का समय लगता है बाई रोड। तो राजकोट भी एक शहर हैगा गुजरात का काफ़ी मशहूर, जिहड़ा कि इत्थों 237 किलोमीटर दूर है। बाई एयर आना हो तो नियरेस्ट एयरपोर्ट जिहड़ा हैगा वह जामनगर का हैगा, जिहड़ा कि 45 किलोमीटर दूर है। हुण असी चलने हैगे हां फैरी फड़ के या छोटा स्टीमर जिहनूं आपां कहिंदे आ, वह फड़ के गुरद्वारा साहब जाने वास्ते बेट द्वारका। तो रस्ते असी तुहानूं दस्सांगे कि किस तरीके नाल फैरी तो इस स्थान बेट द्वारका जाने वास्ते किन्ना दूर है, तो किन्ना आनंद आई है। आओ तुसीं भी साडे नाल साडी यात्रा का हिस्सा बनो, तो देखते रहो स्पिरिचुअल जर्नी टर्बन ट्रैवलर दी। चल पे लह नाल भाई मरदाना, बाबा करण उदासी, चल पे लह नाल भाई मरदाना, बाबा करण उदासी, चल पे चलते गए नालो नालो रबाब सुनावे बाणी नू, जेड़ा धर्म करम दा पक्का रिया सजदा करिए उस हाणी नू। चलते गए नालो नालो रबाब सुनावे बाणी नू। ओखा जटी तो बेट द्वारका जाण वास्ते तकरीबन 15-20 मिनट का समय लगता है। तो असी सोचा इस दौरान आप जी नाल असी थोड़ा बहुत इतिहास साझा करने हैगे। और सब तो पहले गल करने हैगे बेट द्वारका दे जिहड़ा गुरद्वारा साहब है, उस तो अलावा उत्थे एक होर भी बड़ा वड्डा इतिहास हैगा, वो इतिहास हैगा भाई साहब भाई मोखम सिंह जी का। भाई मोखम सिंह जी आप जी नूं याद होएगा पंज प्यारिआं दे विच्चों एक प्यारे सीगे। बेट द्वारका भाई मोखम सिंह जी का जन्म स्थान हैगा। भाई मोखम सिंह जी के इतिहास के बारे विस्तार असी बेट द्वारका जाके आप जी नाल सांझ करांगे। नाल ही लोगों का कहना हैगा कि श्री कृष्ण भगवान की जिहड़ी नगरी सीगी, जिहड़ी उन्हां दी राजधानी सीगी, वह द्वारका है जिथों असी आए हैगे। तो उन्हां दी राणी निवास जिथे कि वह रहिंदे सीगे या जिहड़ा आपां कह सकदे उन्हां दा घर हैगा, वह बेट द्वारका सी। एक होर भी बड़ी प्रचलित साखी है श्री कृष्ण भगवान ते सुदामा जी दी।
बेट द्वारका वही स्थान है जिथे श्री कृष्ण भगवान द्वारका आके सुदामा जी मिले सी। इतिहास भी असं आप जी उ जाके दसागे। जो तुम देख सकते हो समुद्र इस वक्त शांत है, तो सू मुश्किल होर 15 मिनट लगन गए पहुँचने वास्ते। तब तक तुम साढ़े तू ही दुनिया वाली अखेड रचाई, तू ही दुनिया वाली अखेड रचाई, हर डुबदी बेड़ी तू पार लंघाई, पार लंघाई। सवली रख मेरे देवी, सवली रख मेरे ते, सवली रख मेरे ते निगा बाबा नानका, छड़ी ना कदे मेरी बाबा नानका, छड़ी ना कदे मेरी बाबा नानका। छड़ी ना कदे मेरी बाबा नानका, छड़ी ना कदे मेरी बाबा नानका। सत गुरु नानक, धन गुरु नानक, सत गुरु नानक, धन गुरु नानक। दुनिया वाली अखेड रचाई, तू ही दुनिया वाली अखेड रचाई, हर डुबदी बेड़ी तू पार लंघाई, पार लंघाई। सवली रख मेरे देवी, सवली रख मेरे ते, सवली रख मेरे ते निगा बाबा नानका, छड़ी ना कदे मेरी बाबा नानका, छड़ी ना कदे मेरी बाबा नानका। तेरी अनहद नाद बाबा, वसदा बाणी विच तेरी अनहद नाद बाबा, चरणा च रखी सदा एहो फरियाद बाबा, एहो फरियाद बाबा। सुन मेरी, सुन मेरी, सुन सूरज प्रकाश ग्रंथ विच भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने सच्चे पातशाह साहब श्री गुरु नानक देव जी दे आन दा जिक्र बेट द्वारका दे विच कीता है, ऐसा सानू इतिहासकारां तो पता लग्या। ते जिस स्थान दा उन्होंने जिक्र सूरज प्रकाश विच कीता है उदा नाम हैगा संख तालाब। ते जिस स्थान ते असीं इस वक्त खलोते हैगे आ, मेरे पिछे तुसीं देख सकदे हैगे हो, ऐ ओ संख तालाब है, इतिहासिक तालाब जिहदा जिक्र सूरज प्रकाश विच आया है। पिछे एक 1500 साल पुराना
एक मंदिर भी है जिहड़ा कि इस वक्त जर्जर अवस्था च है। अर्थक्विक जिहड़ा कि 2001 च इत्थे आया सी, जिस करके यह मंदिर ढह गया ते उहदा पुनर्निर्माण नहीं होया। नाल एक होर मंदिर जिहड़ा हैगा वह बनाया गया है। इस स्थान के बारे च ते खास तौर पर संख तालाब के बारे च हिंदू वीर का यह मानना है कि जिहड़ी भी संगत बेट द्वारका दर्शन करने वास्ते आती है ते जे वह इस संख तालाब में स्नान ना करे तो उन्होंने यात्रा अधूरी रहती है। गुरद्वारा श्री गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान भाई साहब भाई मोकम सिंह जी, वो इतिहासिक स्थान है जिथे गुरु नानक देव जी की चरण छो प्राप्त। इस गुरुद्वारे का इतिहास जड़ा है वह कुछ इस प्रकार है कि इतिहासकार दसते हैं कि यह वो स्थान है जिथे सच के पुजारी साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज अपनी उदासी की यात्रा वेले गुजरात का दौरा करते हुए भरूच बड़ौदा विश्वनगर पालनपुर अहमदाबाद पलताना भावनगर होंदे हुए जूनागढ़ में चैत संवत 1570 विक्रमी आ पुजे। इतिहास दसदा है कि इत्थे वो काफ़ी समय तक रहे ते लोगों के वहम भरम व्यर्थ के कर्म कांडा तो हट के ईश्वर की प्राप्ति लई सच्चे मन ते भगती का मार्ग उन्होंने इत्थे आके दिखाया। इसी तरह भगती मार्ग का प्रचार करते हुए सोमनाथ पोरबंदर होंदे हुए वो द्वारका बेट जा पुजे। इतिहासकारा के मुताबिक शंख सरोवर या संख तालाब जिन्हों कहने हैं उस स्थान पर आके गुरु साहब ने अपना डेरा लाया तो इतने वाहेगुरु सतनाम का मंत्र जापया। दूसरा इतिहास जिहड़ा इस स्थान जुड़िया हुआ हैगा वह हैगा भाई मोकम सिंह जी का। भाई मोकम सिंह जी के जिहड़े पुरखे सी वह उसी स्थान पर रहिंदे सी जिस स्थान के उत्ते गुरु नानक देव जी आके विराजे सी। संख सरोवर का वह तालाब गुरद्वारा साहब के ठीक बिल्कुल पिछे है जिदे आप जी ने दर्शन किए। इस स्थान के उत्ते भाई साहब भाई मोकम सिंह जी के पुरखे रहा करते ऐसा इतिहास दसदा है। जिस वक्त सच्चे पातशाह साहब श्री गुरु नानक देव जी इत्थे आए तो शाम तक इस सरोवर के कंढे बैठे रहे तो इस परिवार ने जाके उन्होंने बेनती की लंगर छकण की। महाराज दयालु सी उन्होंने घर कुछ समय उन्होंने बतीत किया ऐसा सानू इत्थे आके पता लग्या। उस तो उपरांत महाराज भगती का मार्ग दिखाने वास्ते कच्छ लखपत वाले पासे प्रस्थान कर गए। भाई मोकम सिंह जी का परिवार जिन्होंने गुरु नानक देव जी की सेवा की गुरु साहब प्रभु नाम की सुगंधी फैलाते हुए कच्छ गुजरात की ओर प्रस्थान कर गए। यह निर्मल सुगंधी फैलती रही तो यदा प्रभाव भाई साहब भाई मोकम चंद जी के उत्ते भी पिया। भाई साहब भाई मोकम चंद जी के परिवार ने गुरु नानक देव जी महाराज की सेवा की सी ते जिदा प्रभाव उस छोटे बच्चे 9 साल के बच्चे मुकम चंद ते पिया ते इस तो प्रभावित हो के भाई मुकम चंद जी अपने माता पिता जी नाल गुरु नानक देव जी के 10वें स्वरूप साहब श्री सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के दर्शन करने वास्ते सन 1742 यानी कि 1685 ईस्वी 9 वर्ष की आयु में आनंदपुर साहब गुरु जी नूं मिलन वास्ते जा पुजे। उत्थे जाके देश ते धर्म दे बलिदान लई वो उत्थे ही जाके रह गए ते जीवन भर उसी स्थान ते रहे। सन 1699 विसाखी वाला दिहाड़ा जद दशमेश पिता साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने देश ते धर्म की रक्षा लई सीस पेड़ करन वास्ते लोगों नूं ललकारिया तद 4 शूरवीरां दे नाल बेट द्वारका निवासी भाई मुकम चंद जी ने भी अपना शीस गुरु महाराज के चरणों समर्पित किया। भाई मुकम चंद जी भाई मुकम सिंह जी बने। उपरांत भाई मुकम चंद जी ने अमृतपान किया ते भाई मुकम सिंह जी सिंह सजे। यह वो गुरु के 5 प्यारों विचों एक ने जिस स्थान पर अज असी खलोते हाँ तो यह उन्हों का जन्म स्थान है। कलगिया वाले साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की अन्याय ते जुर्म के खिलाफ लड़ी जाने वाली कई जंगा विच उन्होंने हिस्सा लिया। अपने जीवन नू सफल बनाते हुए भाई मुकम सिंह जी सन 1704 ईस्वी विच चमकौर साहब की जंग विच शहीद होए। भाई साहब भाई मुकम सिंह जी 5 प्यारों विच सब तो छोटी आयु दे सी जिदा जिक्र सूरज प्रकाश दे विच कीता गया है भाई साहब भाई संतोख सिंह जी के द्वारा।
इतिहास ऐसा भी दसदा है कि भाई साहब भाई संतोख सिंह जी भाई मोकम सिंह जी दे ही वंश तो होए ने। अगले एपीसोड विच असी आप जी नूं फिर मिलांगे किसी होर इतिहासिक स्थान पर ते होर तुहानूं नया इतिहास सांझा करांगे गुरु नानक देव जी महाराज का। तद तक तुसी वेखदे रहो स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ अर्बन ट्रैवलर ऑन PTC नेटवर्क। छड़ी ना कदे मेरी बाबा नानका, छड़ी ना कदे मेरी बा